Assalamualaikum friends, जैसा कि आप सब उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल YouTube पे प्रेडेटर हो रही है, ठीक है। उसने एलिगेशन लगाया कि हैकर के साथ खेलने से, ठीक है, आपकी आईडी भी बैन हो जाती है। तो आज मैंने अपने कुछ दोस्तों से हेल्प मांगी है कि भाई इधर आएँ, हम इसे चेक करें कि क्या वाकई ऐसा होता है या नहीं। हमारे साथ एक हैकर भी हैं जो हमें दिखाएंगे कि वो हैकर हैं इस गेम में। और किधर गए भाईजान? ठीक है, आप देख सकते हैं ये भाईजान जो है ना, इन्होंने हैक किया हुआ है, ठीक है। और ये इन्होंने अपना हैक लगाया हुआ है और ये हैकिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब इस हैकर को हम मारेंगे इस आईडी से, ठीक है। आप देख सकते हैं ये आईडी है, ये सामने, इस आईडी से हम इस हैकर को ख़त्म करेंगे। हैकर भाई सामने आओ ज़रा, ठीक है। ये हैकर भाई गए और इरशाद भाई, ठीक है। आप दोनों कंप्लेन करके स्क्रीनशॉट लेके दे दे ताकि मैं वीडियो में दिखा सकूं, ठीक है। और इसके बाद हमारे तीसरे भाई किधर गए? हाँ जी, ये हैं हमारे मलिक साहब। मलिक भाई यहाँ पे रुकें, बहुत शुक्रिया आपका वीडियो में आने के लिए और हेल्प करने के लिए। और ये मलिक भाई को भी हमने मार दिया, ठीक है। ये अब हमने इन सबको मार दिया और चिकन डिनर हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि मैं उस आईडी से बाहर आ गया हूँ, ठीक है। हैकर के साथ हमने गेम खेली, मैंने बंदे मारे, उन्होंने एलिगेशन भी लगाया, जो कि मैं आपको तस्वीरें दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में इस वीडियो के एंड पे, कि मेरे पे कोई भी ब्लॉक या बैन नहीं लगा अभी तक। आप इस चीज को देख सकते हैं। सो ये साबित होता है कि हैकर के साथ खेलने से आपकी आईडी बैन नहीं होती। हाँ, अगर आप टीममेट बनते हैं और उनके साथ मैच खेलते हैं, उसने भी आपकी आईडी सिर्फ 7 दिन के लिए बैन होती है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम किसी को तंकीद कर रहे हैं या प्रेडेटर के ख़िलाफ़ हैं, ऐसी कोई भी हमारी क्या कहते हैं कोशिश नहीं है, ठीक है। जस्ट एक चीज़ बता रहे हैं कि प्रेडेटर जो है वो एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन इस तरह की बात करना जो कि लॉजिकली नहीं एक्सेप्ट की जा सकती, ठीक है, तो उस चीज़ को सिर्फ आप लोगों के नज़र में लाना चाह रहे हैं ताकि आप लोगों को भी पता चले कि ऐसा होता है। जहां तक कि पबजी की बात है, अगर आप किसी हैकर के साथ खेलते हैं तो आपका अकाउंट कभी बैन नहीं होगा, ठीक है। अब आप अगर आप रूम में खेलते हैं स्पेशली जैसे कि सोलो, तो आपका अकाउंट कभी बैन नहीं होगा। और अगर आप स्क्वाड में खेलते हैं तो आपको पहले वार्निंग मिलेगी, वो आपको वार्निंग देंगे, ठीक है, कि आप हैकर के साथ खेल रहे हैं, अगर नेक्स्ट टाइम हुआ तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। और सेकंड टर्म में वो आपका अकाउंट 7 दिन के लिए बैन करते हैं, ठीक है। ऐसा हमारे दोस्तों के साथ हो चुका है, मेरे एक दो दोस्त हैं उनके साथ ऐसा हुआ था, और एज़ इट इज़ जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसा ही हुआ था। इन्होंने बोला कि पबजी की वेबसाइट पे मेंशन है कि कोई भी चीट या कुछ भी, आप अगर देखिए तो चीट आप नहीं कर रहे, ठीक है। आपके पास रैंडमली भी कोई हैकर आ सकता है, आपको तो नहीं पता, तो वो चीज़ ये भी क्लेरिफाई नहीं कर सकते। इतने पागल तो पबजी वाले भी नहीं हैं, ठीक है। आप लोग भी बेहतर जानते हैं कि इतना पागल तो कोई नहीं होता। वो भी वेरिफिकेशन करेंगे कि हाँ, इस बंदे की फ़लानी डिवाइस से कोई सॉफ्टवेयर या कोई अनलीगल चीज़ जो है वो एक्टिव तो नहीं है, ठीक है। वो बगैर उसके तो किसी का अकाउंट हैक नहीं करेंगे या किसी का अकाउंट बैन नहीं करेंगे, सॉरी चुसे। तो आप देखें कि वो लोग भी एक पूरा सेटअप चला रहे हैं, तो वो इंक्वायरी लाजिम करके फिर ही फाइनल करेंगे। अगर तो प्रेडेटर ऐसा कर रहा है, ठीक है, ये बहुत ही गलत बात है भाई। आपको चाहिए, ठीक है, मैं आपके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं फिर ये क्लियर कर दूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो सॉरी, लेकिन जो चीज़ सच है, जो हक है, उसकी बात कर रहा हूँ कि आप जो हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो या आपने ऐसा कुछ किया है, ठीक है, जैसा कि हर कोई बता रहा है कि आपने ऐसा कुछ किया है, तो प्लीज़ आप इसको क्लियर करके अपनी इमेज को साफ करो कि भाई ऐसा अगर कर दिया, माजरत करें और आप इसको दोबारा से उस पर मेहनत करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और सेकंड चीज़, मैंने ये वीडियो बनानी नहीं थी, ये वीडियो बनाई इस वजह से कि मैंने एक यूट्यूबर देखे, अहमद गेमर, ठीक है, उन्होंने बोला कि प्रेडेटर ने अपना फ्लैग हटा लिया है। भाई ऐसी छोटी छोटी बातों पर ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। आप एक चीज़ याद रखें, आप एक सेलिब्रिटी हैं, एक आइकॉन है,
इस टाइम लोग आपको मानते हैं, कई लोग आपको बहुत पसंद करते हैं गेमिंग में, तो अगर आप ऐसी हरकत करोगे ऐसी छोटी सी बात पे या ऐसी किसी चीज़ पे, ठीक है, ऐसा रिएक्शन दोगे, इससे आपके मुल्क की इमेज ख़राब हो रही है। अगर उस बंदे ने इमेज बना उस बंदे ने वीडियो बनाई है, ठीक है, उसने यही चीज़ मेंशन किया है कि भाई आप अगर उधर कल को ई स्पोर्ट्स में जाकर गेम खेलें और वहाँ चीटिंग करते हुए पकड़ा जाए, तो आपके मुल्क की क्या इमेज रहेगी? आप भी जानते हैं कि आपके मुल्क के क्या कहते हैं, आगे ही कैसे कॉमेंट पास किए जाते हैं कि आपके मुल्क को क्या कहा जाता है। हम लोग ये चीज़ फेस करते हैं, तो प्लीज़ अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, तो उसको क्लेरिफाई करें, आप ऑथेंटिक तरीके से आके बताएं, ठीक है ना। और अगर आपने ऐसा किया है, ठीक है, मैंने आपको वीडियो में मेंशन कर दिया कि जो बात आप कह रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, लॉजिकली भी, ठीक है, टेक्निकली भी, लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ किया तो माजत करके, ठीक है, आप दोबारा से ट्राई करें, इंशाल्लाह सब खैर होगी। ये पाकिस्तानी अवाम जो है इसका दिल बहुत बड़ा है, ठीक है, और ये आपको इंशाल्लाह माफ़ कर देगी और आपको चांस देगी। हम लोग जो हैं आपसे दिली मोहब्बत रखते हैं क्योंकि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो और हम चाहते हैं कि आप और रिप्रेजेंट करें, ठीक है, पर ऐसी हरकत ना करें जिससे पाकिस्तान का नाम नीचे हो। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस पर कॉमेंट और लाइक ज़रूर करें। मुझे ज़रूर कॉमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर इसमें कोई गलती है तो प्लीज़ मुझे बताएं ताकि मैं उसको ठीक कर सकूँ। थैंक यू, फी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़।